शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम भूगोल वाले हिस्से में मैप के साथ में। मैप के अंतर्गत आज हम देखने वाले हैं इंडोनेशिया को, इंडोनेशिया के बारे में 1997 में। इसके अलावा और भी आगे के सन में कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछे ही गए हैं, इसलिए जब भी हम मैप की तैयारी करते हैं तो इंडोनेशिया को एकदम बेहतरीन तरीके से हमको तैयारी करना है। कई बार यहाँ की जो जल संधियाँ हैं जिनको हम इंग्लिश में स्ट्रेट बोलते हैं, जिनको जल डमरू मध्य बोलते हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। कई कई बार इनके द्वीपों के नाम पूछे गए हैं, ठीक है, तो इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। इंडोनेशिया का मैप बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन में पूछा गया था पूरे के पूरे जो द्वीप समूह है इंडोनेशिया के अंतर्गत उनकी कुछ खास बातें पूछी गई थी, जैसे कि यदि हम यहाँ से लेकर के कहाँ से ये इसका जो नॉर्थ और पश्चिम वाला हिस्सा है यहाँ से लेकर के सीधे सीधे यहाँ तक चले जाएं, ठीक है, वहाँ क्वेश्चन में पूछा गया था पेरिस जल डमरू मध्य, ठीक है, तो पेरिस जल डमरू मध्य तो मैं सर्च मार के देखा हूँ कहीं पर भी नहीं है, लेकिन ये टेरिस स्ट्रेट जरूर है, ठीक है, टेरिस स्ट्रेट टेरिस जल डमरू मध्य ये है और यहीं पर ये ख़त्म भी हो रहा है। यहाँ से आप सीधे जाओगे ये बांदा एके तक, ठीक है, बांदा एके तक, तो इसकी जो लंबाई है ना लगभग 5000 मील है, मतलब जो लगभग उतनी ही है जितनी लंदन से बगदाद की है। इस द्वीप समूह में 14000 द्वीप हैं, इनमें कुछ मात्र विषुवत रेखीय क्षेत्रीय सैल हैं और कुछ अन्य में विश्व के विशालतम द्वीप शामिल हैं। तो आपको बताना है कि हम कौन से द्वीप समूह की बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में ऑप्शन दिया था वेस्ट इंडीज, फिलीपींस, जापान, इंडोनेशिया। एक बार आप फिर से क्वेश्चन देख लीजिए। क्वेश्चन में था ये जो एरिया है ना उत्तर पश्चिम में एक है, ठीक है, बांदा एक है ये और ये पूरा का पूरा इसको एक है कहा गया है, तो ये सबसे लास्ट पॉइंट है इसका इंडोनेशिया का, ये यहाँ पर। यहाँ से आप सीधे जाओगे तो यहाँ तक टॉरेस स्ट्रेट तक आप जाओगे तो यहाँ पर ये ख़त्म हो गया है, ठीक है, पपुआ न्यू गिनी अलग है और न्यू गिनी इंडोनेशिया में आ जाता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो दूरी है ना 5000 मील है। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे छोटे मोटे द्वीप हैं, लगभग 14000 द्वीप समूह हैं, ठीक है, कुछ तो विषुवत रेखीय क्षेत्रीय सैल हैं और कुछ वर्ल्ड के फेमस फेमस बड़े बड़े विशालतम द्वीप यहाँ पर लोकेटेड हैं। तो उसका नाम बताना है उस देश का या फिर उस द्वीप का। तो ऑप्शन दिए थे वेस्ट इंडीज, जापान, फिलीपींस, इंडोनेशिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। अब देखिए इंडोनेशिया में कई सारे हमको बड़े बड़े द्वीप देखने को मिलते हैं, जैसे कि कालीमंटान, ठीक है, ये हो गया सुमात्रा, ये हो गया जावा, ये हो गया न्यू गिनी। अब इसका यदि हम फिजिकल मैप देखें तो ये रहा हमारा फिजिकल मैप इंडोनेशिया का। ये बोर्नियो द्वीप है पूरा का पूरा, इसी में बोर्नियो में कालीमंटान है और ये यहाँ पर उसके ऊपर तरफ में मलेशिया है, नीचे की तरफ में सुमात्रा द्वीप है, ठीक है, नीचे की तरफ और जाते हैं हम तो जावा है और बाकी छोटे बड़े तो बहुत सारे हैं, जैसे कि ये पपुआ है ना, पपुआ भी द्वीप समूह है और सुलुवेसी है जिसको सेलेब्स के सेलेब्स जहाँ पर लोकेटेड हैं, जैसे छोटे बड़े हमको देख रहे हैं कि बहुत सारे यहाँ पर द्वीप समूह हैं। इसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ आ जाती है कौन कौन सी खाड़ियाँ यहाँ पर लोकेटेड हैं, है ना, और इसकी लोकेशन यदि हम देखें कहाँ कहाँ से किस किस चीज़ से घिरा हुआ है। तो यदि हम एकदम पश्चिम की तरफ में जाते हैं तो इंडियन ओशियन है नॉर्थ वाले हिस्से की तरफ, और नीचे यदि हम जाते हैं साउथ की तरफ में तो इंडियन ओशियन से ये घिरा हुआ है। और इसका जो पूर्वी हिस्सा है, पूर्वी हिस्से की तरफ में ये प्रशांत महासागर से घिरा हुआ है, ठीक है, और नॉर्थ की तरफ यदि हम जाएंगे तो अलग अलग सागर, जैसे कि सेलेब सागर पड़ेगा, फिर साउथ चाइना सी पड़ेगा। अब इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो आ जाती है स्ट्रेट या फिर जल संधियाँ, ठीक है, जैसे कि मलेशिया और सुमात्रा दोनों द्वीपों को अलग कौन सी संधि करती है, स्ट्रेट ऑफ मलक्का, मलक्का जल संधि
दोनों द्वीप समूहों को अलग करती है, और ये जोड़ने का काम करेगी किसको, ये जावा सागर और अंडमान सागर को आपस में कनेक्ट करती है। इसके बाद ये है मक्कासार स्ट्रेट, सुलवेसी आइलैंड और बोर्नियो आइलैंड को, दोनों को आपस में अलग करने का काम करती है मक्कासार जल संधि, और ये जोड़ती है सेलेब सागर और जावा सागर को। इसके बाद और भी कुछ महत्वपूर्ण जल संधियां हैं, ठीक है, जिनको हम देख लेते हैं। इसमें तो उतना ज़्यादा हमको क्लियर नहीं हो पा रहा है जल संधियाँ, क्योंकि जैसे कि कालीमंटान स्ट्रेट, ये किसको अलग कर रही है, कालीमंटान द्वीप को और ये सुमात्रा को, दोनों को आपस में अलग कर रही है, ठीक है। और ये जो एरिया है ग्रेटर सुंडा आइलैंड्स के नाम से जाना जाता है। तो हमने देख लिए, एक ये है मक्कासार स्ट्रेट, सुलवेसी आइलैंड और कालीमंटान आइलैंड को अलग करती है और जोड़ती है सेलेब सागर को, और यहाँ पर है जावा सागर, दोनों को आपस में कनेक्ट करती है और रास्ता अवेलेबल कराती है आने जाने के लिए। इसके अलावा एक फैक्ट हमको देखना है कि ये जो इसकी कैपिटल है इंडोनेशिया की, जो राजधानी है ना, वो कहाँ पर, कौन से द्वीप में स्थित है, जावा में स्थित है। ये जावा है, ये सुमात्रा है, ये कालीमंटान है, और इसी में इसको पूरे को, पूरे को हम बोर्नियो बोलते हैं, ठीक है। बोर्नियो आइलैंड है ये जावा है, ये सुमात्रा है, ठीक है, और इसको सुलवेसी बोलते हैं, और ये है हमारा पपुआ न्यू गिनी। इसके बाद हम सीधे चलते हैं द हिंदू की तरफ में और देख लेते हैं पहली खबर को। तो पहली खबर हम देखेंगे बजट से रिलेटेड आई है, ठीक है। तो 2023 का बजट प्रस्तुत किया गया है निर्मला सीतारमण के द्वारा। तो सबसे पहले हम बजट के बारे में कुछ बेसिक फैक्ट देखने वाले हैं। बजट, बजट शब्द का विकास फ्रेंच शब्द बुजेट से हुआ है, ठीक है। बजट शब्द फ्रेंच भाषा के शब्द बुजेट से लिया गया है, जिसका मतलब होता है एक छोटा चमड़े का थैला या फिर बैग। इंग्लैंड के पहले प्रधानमंत्री सर रॉबर्ट वालपोल, टाइम पीरियड है 1721 से 1742, ने अपने वित्तीय प्रस्ताव के कागज को, दस्तावेज को चमड़ी के एक थैले में रखा हुआ था। जब वालपोल ने अपने वित्तीय प्रस्तावों को संसद में प्रस्तुत किया था, तो लोगों ने मजाक उड़ाया और कहा कि बजट खोला गया, ठीक है। इसके बाद वार्षिक आय व्यय के प्रस्तावों के लिए बजट शब्द का इस्तेमाल होने लगा था। भारत में बजट प्रणाली की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है वायसराय कैनिंग को। 1859 में, 1859 में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहली बार एक विशेष सदस्य सर जेम्स विल्सन को वित्त सदस्य के रूप में सम्मिलित किया गया था। जेम्स विल्सन ने पहली बार 7 अप्रैल 1860 को वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहला बजट प्रस्तुत किया था, 7 अप्रैल 1860 को। इसलिए भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक जेम्स विल्सन को ही माना जाता है। संविधान के आर्टिकल 112 अनुच्छेद 112 के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए जो 1 अप्रैल से, अप्रैल 1 से 31 मार्च तक चलता है, केंद्र सरकार की अनुमानित प्राप्ति, जिसको हम रिसिप्ट कहते हैं, मतलब सरकार की कमाई और सरकार का खर्चा, सरकार के खर्चों का एक विवरण होता है, पार्लियामेंट के सामने रखना जरूरी होता है। इस वार्षिक वित्तीय विवरण, संविधान में बजट के लिए ये शब्द यूज किया गया है, को केंद्र सरकार का बजट कहा जाता है। राज्य सरकारों की बजट के संबंध में व्यवस्था आर्टिकल 202 में दी गई है। राष्ट्रपति द्वारा निर्देशित डेट पर लोकसभा में बजट को पेश किया जाता है। परंपरागत रूप में प्रत्येक वर्ष फरवरी के अंतिम कार्य दिवस पर बजट लोकसभा में पेश किया जाता है। शुरू में रेल बजट और आम बजट एक साथ ही प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन 1921 में एक कमेटी, आकवर्त कमेटी, ने सिफारिश दिया। 1924 में ये डिसीजन लिया कि रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत करेंगे, और 1925 में पहली बार रेल बजट को अलग से पेश किया गया था, और तभी से रेल बजट को आम बजट से अलग प्रस्तुत किया जाने लगा है, लेकिन आज के टाइम में सब कंबाइन कर दिया गया है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को पहले वित्त मंत्री आर के षणमुखम शेट्टी ने प्रस्तुत किया था। ये बजट 15 अगस्त 1947 से 31 मार्च 1948 तक 7.5 माह की अवधि के लिए था।
फिर जॉन मथाई को साल 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का गौरव प्राप्त हुआ था। फिर जवाहरलाल नेहरू आते हैं, 1958-59 का बजट इन्होंने पेश किया और बजट को पेश करते हुए उन्होंने घोषणा किया था कि अगले वर्ष से बजट 28 फरवरी के दिन ही पेश किया जाएगा। भारत में अभी तक मतलब 2013 सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री मोरारजी देसाई थे। उन्होंने कुल 10 बजट पेश किए हैं जबकि पी चिदम्बरम ने 8 बजट पेश किया था। वित्त मंत्री के रूप में 1991 में मनमोहन सिंह ने देश में आर्थिक उदारीकरण की नीति को लागू करने की घोषणा किया था। अंग्रेजों ने भारत के लिए बजट पेश करना शुरू किया तो उसके लिए शाम के 5 बजे का समय रखा गया था, लेकिन 1999 में राजग सरकार के वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने बजट पेश करने का समय दिन के 11 बजे कर दिया था। फिर 25 फरवरी 1992 में भारत में पहली बार रेल बजट और 29 फरवरी 1992 को समान बजट का टेलीविजन पर प्रसारण चालू हुआ था। भारत में बजट किन किन अनुमानों को बताता है, जैसे कि विगत वर्ष के वास्तविक प्राप्तियां तथा व्यय, पिछले साल कितना कमाई हुआ कितना खर्चा हुआ। दूसरी नंबर की बात यह है चालू वित्त वर्ष के बजट के अनुमान और संशोधित अनुमान, ठीक है, अभी जो वर्ष चल रहा है उसका हम अनुमान लगाते हैं और उसमें कुछ संशोधित अनुमान भी लगाते हैं। आगामी वर्ष के प्रस्तावित बजट अनुमान, इस प्रकार भारत में बजट प्रस्तुतकरण का संबंध 3 वर्षों के आंकड़े से होता है। कैसे, पिछले साल क्या हुआ, इस साल क्या होगा और आने वाले साल हमारा कैसा रहेगा। इसके बाद हम सीधे चलते हैं एडिटोरियल वाले पेज की तरफ और देख लेते हैं प्रमुख एडिटोरियल को। तो एडिटोरियल आज जो छपे हुए हैं वो ज़्यादातर बजट के ऊपर ही छापे गए हैं। जैसे कि ये जो आर्टिकल हम देख रहे हैं पहले नंबर का, ये बताता है कि जो ग्रोथ डीएक्सीलरेशन प्रॉब्लम है, डीएक्सीलरेशन प्रॉब्लम है, इसको आप जो है स्किप नहीं कर सकते हैं। विकास मंदी की समस्या को हम छोड़ नहीं सकते हैं, आर्टिकल में इस बात पर फोकस किया गया है। द मच एंटीसिपेटेड बजट फॉर 2023-24 हैज बीन प्रेजेंटेड। एंटीसिपेटेड, ठीक है, एंटीसिपेटेड मतलब बहुप्रतीक्षित, जिसका हम बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, उसको संसद में पेश कर दिया गया है। ये जो बजट स्पीच है ना, ये चालू होती है विथ ए सेल्फ कॉन्ग्रेचुलेटरी नोट, मतलब खुद से अपनी प्रशंसा करना, खुद से अपनी बधाई देना, इस प्रकार के नोट से इसका भाषण चालू होता है। जैसे कि इंडिया ने सक्सेसफुली ओवरकम कर लिया है द ट्रबल दैट केम विद COVID-19 पेंडेमिक। सरकार अपनी बड़ाई खुद से करती है कि हमने जो है COVID-19 के चलते चलते जो भी कष्ट झेले हैं उसको हमने समाप्त कर दिया है टू ए लार्ज एक्सटेंट बाय इंश्योरिंग द फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम। इसके लिए हमने फ्री फूड डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम चलाई थी 800 मिलियन लोगों के लिए। इसके साथ साथ में अदर ऑनगोइंग फूड सिक्योरिटी प्रोग्राम भी हमने चलाए थे। एंड इट एडेड इंडिया हैज फुली रिकवर्ड फ्रॉम आउटपुट कॉन्ट्रैक्शन आफ्टर 1 ईयर टू इमर्ज एज वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। और हमारी जो इकोनॉमी है ना कॉन्ट्रैक्शन से बाहर आ गई है, हमारी इकोनॉमी जो माइनस में ग्रोथ करी थी उससे हम बाहर आ गए हैं और हम विश्व की फास्टेस्ट ग्रोइंग वाली इकोनॉमी में शामिल हो गए हैं। फैक्ट वाली बात ये है, तो इन फैक्ट वाइल कमेंटिंग ऑन द इकोनॉमिक सर्वे दैट वाज प्रेजेंटेड ऑन द डे प्रीसीडिंग द बजट। प्रीसीडिंग मतलब होता है एक दिन पहले, तो बजट से पहले इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया गया था। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा था ये जो इकोनॉमी है ना कैन नाउ गेट ऑन विथ द ग्रोथ ट्रिजेक्टरी विथ दैट इट वाज चार्टिंग बिफोर द आउटब्रेक ऑफ कोविड पेंडेमिक इन 2020। उनका कहना है कि देखिए हमारी जो इकोनॉमी है ना COVID-19 आया था उसके पहले जिस हिसाब से बढ़ रही थी उसी हिसाब से रफ्तार अब उसने पकड़ना चालू कर दिया है। किसको देख के उन्होंने बताया था, इकोनॉमिक सर्वे को
देखकर उन्होंने बताया था। रिवर्सल इन एग्रीगेट पैरामीटर्स, एग्रीगेट का मतलब होता है टोटल और रिवर्सल का मतलब होता है उलटफेर। तो व्हाट वाज द इकोनॉमिक सिचुएशन लाइक बिफोर द पेंडेमिक, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कोरोना के पहले क्या इकोनॉमिक सिचुएशन रही। इट वाज एन इकोनॉमी इन डिक्लाइन फॉर इंटायर डिकेड ऑफ द 2010। हम ये देख रहे हैं कि जो 2010 का दशक रहा है ना, इस दौरान में इकोनॉमी में डिक्लाइन देखने को मिला था। परहैप्स कॉन्ट्रेरी टू फाइनेंस मिनिस्टर परसेप्शन, जबकि फाइनेंस मिनिस्टर उल्टा बोल रही हैं। वहीं यदि हम बात कर लें रियल एवरेज एनुअल जीडीपी ग्रोथ रेट की 2010 के टाइम के से और उसके 10 के दशक की बात करें, वो टोटल जो है नेट ऑफ इन्फ्लेशन हमको देखने को मिला, यहाँ पर डी एक्सिलरेटेड हुई थी 5 से 6% फ्रॉम 7 से 8%। 7 से 8% ग्रोथ हुआ करती थी, जो कि अभी रियल जीडीपी की जो ग्रोथ रेट रही है 2010 के दशक में, 10 से 20 के दौरान में वो 5 से 6% रही है। इन द सेम प्रीवियस डिकेड, ठीक है, दैट इज 2000। यदि हम सन 2000 की बात करें 7 से 8% के हिसाब से बढ़ी, और 2010 के दशक की बात करें तो वो 5 से 6% के हिसाब से बढ़ी थी। तो जो प्रोफेशनल आलोचना है जीडीपी एस्टिमेशन की, जीडीपी के अनुमानों की, वो वैलिड है। इट्स एनुअल ग्रोथ रेट इज परहैप्स लोअर 4 से 5% देन ऑफिशियल एस्टिमेट, लेकिन सही बात तो ये है जितना सरकार कह रही है ना उतनी हमारी ग्रोथ नहीं होने वाली, हमारी ग्रोथ रहेगी 4 से 5% की। ठीक है, और भी यदि हम सीरियसली बात करें तो इंडिया ने क्या काम कर दिया है, डी इंडस्ट्रियलाइज्ड किया है प्रीमेच्योरली, कब से 2010 के बीच बीच से, विद है स्टीप फॉल इन एनुअल आउटपुट ग्रोथ रेट। इसी के चलते चलते हमारा जो सालाना आउटपुट का ग्रोथ रेट है ना उसमें गिरावट देखने को मिली है, 13.1% से 2.4% हो गई है 19-20 में, 2014-15-16 में 13% हुआ करती थी। इवन बिफोर द पेंडेमिक स्ट्रक, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन इज एकम्पेन्ड बाई फॉलिंग एग्रीगेट फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट रेट। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की जो दर है ना उसमें एग्रीगेट तरीके से गिरावट हमको देखने को मिली। इसके अलावा डोमेस्टिक सेविंग लोग कम कर रहे हैं बाई 4% to 5% point ऑफ GDP कंपेयर टू दैट ऑफ प्रीवियस डिकेड ऑफ 2000। यदि हम 2000 सन के दशक की बात करें, 2000 से लेकर के 2010 तक की बात करें, उस टाइम की यदि हम तुलना करें ना तो बहुत बड़ा अंतर हमको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार की जो हम घटना देख रहे हैं ना, नेवर इन पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, आज़ादी के बाद ऐसी हमें कोई भी घटना घटित नहीं मिली है और ना ही हमें इस प्रकार के क्रूशियल एग्रीगेट पैरामीटर देखने को मिले हैं। अब हम बात कर लेते हैं बजट के विज़न और एक्सपेंडिचर की प्रायोरिटी, ज़रूरत को ज़रूर देखा जाना चाहिए इस कॉन्टेक्स्ट में। फाइनेंस मिनिस्टर का जो स्पीच है ना, सही तरीके से जोर देता है रोल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड पब्लिक इन्वेस्टमेंट एज वर्चुअस सिंस सच इन्वेस्टमेंट क्राउड इन प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। हम देख रहे हैं कि सरकार का जोर है इंफ्रास्ट्रक्चर ज़्यादा से ज़्यादा तैयार किया जाए, पब्लिक इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्वेस्टमेंट करें, ठीक है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में भी हम देख रहे हैं काफ़ी भीड़ भाड़ पड़ी है। बजट क्या सोच रहा है, बजट में ये देखा जा रहा है कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट में हमें वृद्धि करना है लगभग 3.3% की, ये हाईएस्ट है पिछले 3 साल से यदि हम तुलना करते हैं। यहीं यदि हम देखें ग्रांट इन एड स्टेट इज इंक्लूडेड, द रेशो
कुड बी अप टू 4.5% ऑफ द आउटलेस। मतलब कि यदि हम देखें ना, यदि राज्यों को सहायता अनुदान राज्यों की सहायता अनुदान शामिल कर लेना, तो यह अनुपात खर्चा के 4.5% तक हो सकता है। हालांकि ये स्वागत योग्य है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं है कि ये किन विशिष्ट क्षेत्रों और योजनाओं पर आप खर्चा करोगे। फिर जो बजट का एक्सटेंशन है ना, ऑफ इंटरेस्ट फ्री लोन लोन्स ऑफ ए 50-year tenure टू द स्टेट फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट इज आल्सो वेलकम। एक और स्वागत योग्य कदम ये है, बुनियादी ढांचा में निवेश करने के लिए राज्यों को 50 साल की अवधि के लिए ब्याज मुक्त ऋण देने का, ठीक है, फैसला किया गया है। ये भी स्वागत योग्य है। हालांकि उनका उपयोग मिश्रित रूप से मिला हुआ है, क्योंकि गरीब राज्यों के लिए स्थितियां काफ़ी कठिन प्रतीत होती हैं। संभवतः राज्यों के उपयोग में सुधार लाने के लिए उनके साथ जुड़ने की आवश्यकता है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है, पैसा मिलेगा तो ज़रूर, लोन मिलेगा तो ज़रूर, लेकिन आप जो है उसको कहाँ पर खर्चा करोगे, ये उसमें शर्त रख दिया गया है। अब हम बात कर लेते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑन रेलवेज। रेलवे के ऊपर आप कितना पूंजीगत व्यय व्यय कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो, इसको हम इन्हेंस कर दिए हैं। कितना लाख हो गया है, 2.40 लाख करोड़ हो गया है। तो 9 times वाट इट वॉज इन 2013-14। 2013-14 में जितना भी था उससे 9 गुना बजट पेश किया गया है रेलवे के लिए। ये भी स्वागत योग्य है। लेकिन हमें ज़रूरत है कि हम जानें वाट दिस मीन्स इन रियल टर्म और एज ए प्रपोर्सन ऑफ बजटरी आउटले। लेकिन आप इसको समझिए भी तो इसका मतलब क्या है। यदि हम जो है नेचर ऑफ प्रपोज एक्सपेंडिचर को नहीं समझते हैं, इट्स इफेक्टिवनेस कैन नॉट बी एसेड, इसके असर को भी हम बिल्कुल प्राप्त नहीं कर पाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर बात करी जाती है, यदि ये जो रेलवे का इन्वेस्टमेंट है ना, इस ऑन मच नीडिड मॉडर्नाइजेशन ऑफ रेल ट्रैक एंड रोलिंग स्टॉक। यदि हम जो है रेलवे के ट्रैक को मॉडर्नाइज कर दें, रोलिंग स्टॉक में हमारे पास वृद्धि हो जाए, तो इससे हमारी जो एफिशिएंसी है ना वो बढ़ जाएगी। फिर भी यदि इसको हम स्पेंड कर देते हैं स्टेशन के मॉडर्नाइजेशन में, या फिर अदर इस प्रकार के जो ग्लैमरस प्रोजेक्ट है ना, तो इससे जो हमारी प्रोडक्टिविटी है ना वो कम हो जाएगी। मतलब हमें जो है स्टेशन को चमकाने के लिए पैसे नहीं खर्च करना है, हमें अपनी स्पीड को बढ़ाने के लिए, प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ही पैसा खर्चा करना चाहिए रेलवे में। इसके बाद बताया जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ द डे हैज ऑल अलोंग फेवर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ओवर डायरेक्टली प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। सरकार ज़्यादा से ज़्यादा जोर दे रही है इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करने को लेकर के, ठीक है, किसके ऊपर, डायरेक्टली प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट के ऊपर इन एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। हुज शेयर इन ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन रेट दैट इज़ ए प्रोपोर्शन ऑफ GDP हैज़ डिक्लाइन। लेकिन वहीं पर यदि आप देखोगे ना, तो इसका जो हिस्सा है ना GDP के हिसाब क्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन में काफ़ी गिरावट हमको देखने को मिला है। फिर भी एविडेंस ऐसे मौजूद हैं जिनसे हमें ये पता चलता है कि जो शेयर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन रियल GVA एंड GFCF है वो हार्डली इम्प्रूव हुआ है ओवर डिकेड ऑफ 2010। उतना ज़्यादा हमें वृद्धि देखने को नहीं मिली है इंफ्रास्ट्रक्चर और GDP। कितनी आपकी कमाई हो रही, कितनी GDP बढ़ रही, उस हिसाब से यदि हम देखें तो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री के ऊपर जो डायरेक्टली प्रोडक्टिव इन्वेस्टमेंट है ना वो हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिला है। इसके बाद इम्पोर्ट डिपेंडेंस ऑन चाइना, इसके ऊपर भी बात करी जाती है। हम देख रहे हैं कि चाइना के ऊपर कितना ज़्यादा हम निर्भर हैं। प्री मेच्योर डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है, समय से पहले, ठीक है, वी औद्योगिकरण और परिणाम स्वरूप चीनी आयात पर बढ़ती निर्भरता राष्ट्रीय विकास के लिए एक स्वतंत्र मार्ग का अनुसरण करने में भारत के लिए बहुत बड़ी चुनौती का काम करती है।
तो सरकार की प्रमुख पहल है मेक इन इंडिया, 2014 में लॉन्च की गई थी, और आत्मनिर्भर भारत अभियान 2020 में लॉन्च किया गया था, इन कमियों को दूर करने के लिए लाए गए थे। फिर है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना, ऐसे निवेशों के लिए प्रोत्साहन देने के लिए थी। हालांकि बजट ने शायद ही इन प्रयासों को आगे बढ़ाया है या इनका आकलन किया है कि उन्होंने कैसे प्रदर्शन किया है। बजट शानदार तरीके से बताता है कि कैसे मोबाइल फोन असेंबली उद्योग में चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम निर्यात को बढ़ावा देने में सफल रहा है। हम हमारे देश में ही फोन बना रहे हैं और यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं। जबकि शीर्षक संख्याएं सत्य हो सकती हैं, वे इस तथ्य को छिपाते हैं कि मोबाइल के पुर्जे या फिर किटों का आप आयात भी कर रहे हो, ये बात तो आप बिल्कुल बताते भी नहीं हैं। ठीक है, सावधानी पूर्वक शोध से पता चलता है कि घटकों और उप विधानसभाओं का जो, ठीक है, यहाँ पर केयरफुल यदि हम रिसर्च करते हैं तो इससे ये पता चलता है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन टू प्रोड्यूस कंपोनेंट एंड सब असेंबलीज हैज़ मेड लिटिल प्रोग्रेस। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो प्रोड्यूस कंपोनेंट है और सब असेंबलीज है ना, इनमें उतनी ज़्यादा ग्रोथ हमको देखने को नहीं मिली है। एक और पीस ऑफ एविडेंस हमारे पास ये है कि हम जो है चाइना के ऊपर इंपोर्ट में डिपेंडेंस है। ये कैसे पता चलता है? ग्रोविंग ट्रेड डेफिसिट विद दैट कंट्री, हमारा ट्रेड डेफिसिट चल रहा है चाइना के साथ में, इससे पता चल जाता है ये बात। गोइंग अप फ्रॉम 57.4 बिलियन इन 2018, तो 2018 में ये घाटा कितना था? 57.4 बिलियन डॉलर था, और 2021 में बढ़कर कि ये 64.5 बिलियन डॉलर हो गया है। तो हम ये कह सकते हैं कि चाइना के ऊपर हम निर्भर हैं और ये हमारी इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर सकता है। अब हम बात कर लेते हैं बैंक क्रेडिट ग्रोथ को लेकर के, कि इसका आखिर सच्चाई क्या है और बजट में हमको बताया क्या जा रहा है। बजट मेंशन करता है कि हम बैंक की जो क्रेडिट ग्रोथ है ना, उसमें राइजिंग देखने को मिल रहा है एज ए पॉजिटिव साइन ऑफ इन्वेस्टमेंट रिवाइवल। तो बैंक ज़्यादा से ज़्यादा क्रेडिट दे रहे हैं, क्रेडिट दे रहे हैं मतलब उधार दे रहे हैं, इससे ये पता चलता है कि इन्वेस्टमेंट फिर से जिंदा हो रहा है। ठीक है, हेडलाइन तो बिल्कुल करेक्ट है, द शेयर ऑफ द क्रेडिट एक्रिंग टू इंडस्ट्री हैज़ बेयरली इंच्ड अप विथ मोस्ट इंक्रीज ऑकरिंग टू पर्सनल लोन विच में एड टू लग्जरी इम्पोर्टेड कंजप्शन एंड नोट बूस्ट द इकोनॉमीज प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी। लेकिन सच्चाई ये है कि ज़्यादातर जो है पर्सनल लोन ही बैंक बांट रहा है। आज मैं भी लोन लेने गया, मुझे यदि प्लॉट खरीदना है घर बनाने के लिए, ठीक है, तो मुझे पर्सनल लोन लेना पड़ रहा है। तो इसका क्या मतलब हो गया? क्या मैं कोई इंडस्ट्री खड़ी कर रहा हूँ? क्या इससे इकोनॉमी बढ़ेगी? बिल्कुल गलत बात है। ठीक है, इन्हीं सब बातों के चलते चलते कोई व्यक्ति पर्सनल लोन ले रहा है और बाहर से लग्जरी सामान मंगवा रहा है, ठीक है, और इससे हमारी इकोनॉमी की जो प्रोडक्टिविटी कैपेसिटी है ना, वो बढ़ने वाली बिल्कुल भी नहीं है। एक और जो रीज़न है बताया जा रहा है, प्राइवेट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लैगिंग है या फिर ढील ढाल है, वो है लैक ऑफ एक्सेस टू लॉन्ग टर्म क्रेडिट। लंबे समय के लिए हमें जो है ब्याज नहीं दिया जा रहा है, हमें जो है लोन नहीं दिया जा रहा है, इसको वाइडली कोई एक्नॉलेज नहीं करता। 2021 में गवर्नमेंट ने प्रमोट करी थी द नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट, NBFID। यहाँ पर काफ़ी पर्याप्त मात्रा में इक्विटी इन्वेस्टमेंट किया गया था। दुर्भाग्यपूर्वक क्या हुआ, डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सीम टू हैव मेड मॉडेस्ट प्रोग्रेस, हमें उतनी ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं देखने को मिली थी इंडस्ट्रियल जो इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने में। इफ द बजट इज सीरियस अबाउट बूस्टिंग प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इट हैज़ टू इंश्योर बेटर परफॉर्मेंस ऑफ NBFID। तो इसके लिए आपको ये ध्यान रखना है, ये जो संस्था बनाई गई है ये बेहतरीन तरीके से काम करें। लेकिन यहाँ पर जो बजट है ना,
इसने ज़्यादा कुछ कहा ही नहीं है, मच पब्लिसाइज्ड इनिशिएटिव, इस इनिशिएटिव के बारे में ज़्यादा कुछ कहा ही नहीं गया है। तो सबसे लास्ट में कहा गया जाता है कि संक्षेप में यदि हम कहें, निवेश आधारित विकास के लिए बजट के नए सिरे से प्रतिबद्धता को अच्छी तरह से लिया गया है। हालांकि जो उल्लेखित निवेश का रिजल्ट है ना, हमें कम प्रतीत होता है। 2010 के दशक में विकास में गिरावट, पिछले दशक की तुलना में निवेश और बचत दरों में अभूतपूर्व गिरावट, और 2010 के मध्य से समय से पहले वी औद्योगिकरण की समस्या से जूझने में बजट विफल रहा है। तो इन सब बाधाओं को जब तक आप सॉल्व नहीं कर देते हैं, तब तक ये आपका बजट सफल नहीं होने वाला है। एक और आर्टिकल है जो कि बजट के ऊपर ही लिखा गया है, इसको भी हम एनालिसिस कर लेते हैं। एक ऐसा बजट जो सिग्नल दे रहा है ग्रोथ की विद स्टेबिलिटी, मतलब स्थिरता भी रहेगी और ग्रोथ भी होने वाली है इस बजट के माध्यम से। इकोनॉमिक सर्वे जिसको हमने रखे थे पार्लियामेंट में बिफोर द प्रेजेंटेशन ऑफ द बजट, ठीक है, बजट के एक दिन पहले इकोनॉमिक सर्वे प्रस्तुत किया गया था 2022-23 के लिए, और 2023-24 का हमने बजट प्रस्तुत करें। इसने जोर दिया है एक पॉइंट के ऊपर कि इंडिया हैज़ स्टैग्ड ए रिमार्केबल ब्रॉड बेस्ड रिकवरी टू रीच द लेवल ऑफ इनकम दैट एग्जिस्टेड बिफोर द आउटब्रेक ऑफ नवल कोरोना वायरस पेंडेमिक। सबसे ज़्यादा इस बात पर जोर दिया गया है कि कोरोना के टाइम के पहले भारत की जितनी कमाई हो रही थी, वो फिर से अब जो है वही इनकम का लेवल आज के टाइम में आ गया है। मतलब हमारी इकोनॉमी जिस हिसाब से बढ़ रही थी कोरोना के पहले, उसी रफ्तार से अब वो है फिर से बढ़ने लग गई है। हम ये अच्छी तरह से जानते हैं कि पेंडेमिक के चलते चलते हमें बहुत सारे सीरियस झटके झेलने पड़े हमारी इकोनॉमी को, फॉलोड बाय वार बिटवीन रशिया एंड यूक्रेन एंड एकम्पनिंग सेंक्शन दैट हैव बीन इम्पोज द वेस्ट ऑन रशिया। कोरोना आया, इसके बाद रशिया यूक्रेन का युद्ध आ गया, इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो पश्चिमी देश है और अमेरिका है, यूरोपियन कंट्रीज हैं, उन्होंने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगाना चालू कर दिया था। इसके बाद स्लो डाउन देखने को मिला, रिसेशन हमें देखने को मिला था मेजर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, एंड द राइज इन इन्फ्लेशन लीडिंग टू ए शार्प इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट। इसके बाद क्या हुआ, मेजर पार्ट में स्लो डाउन आया, रिसेशन आया, ठीक है, स्लो डाउन मतलब वहाँ का जो प्रोडक्शन है ठप पड़ गया, रिसेशन डिमांड और डिमांड में कमी आ गई, ठीक है। इसके साथ साथ में हम देख रहे हैं इन्फ्लेशन जब बढ़ा, तो इसके साथ साथ में सभी देशों की सरकारों ने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया था। इंटरेस्ट रेट को बढ़ा करके सरकारें मार्केट का जो पैसा है उसको खींचती हैं, ताकि जो बढ़ी हुई इन्फ्लेशन है ना वो शांत हो जाए। फॉलोड बाय कैपिटल आउटफ्लो एंड प्रेशर ऑन एक्सचेंज रेट। इसके बाद हम देखते हैं हमारा जो कैपिटल है ना, वो ज़्यादा आउटफ्लो हो रहा है, चीज़ें जब महंगी हो रही हैं तो इंडिया को ज़्यादा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है। इसके साथ साथ में प्रेशर आया था किसके ऊपर, हमारे रुपया के ऊपर, हमारा रुपया डॉलर के मुकाबले गिर गया, ये सारी घटनाएं हमने देखे थे। अब हम देखते हैं ग्रोथ को और फिस्कल डेफिसिट की शेडो को। फिस्कल डेफिसिट मतलब कि कितना आप खर्चा कर रहे हैं और कितना आप कमा रहे हैं, उसमें आपको जो घाटा हो रहा है उसके बारे में बात करते हैं। इवन दाउ द इकोनॉमी हैज स्टैग्ड ए रिकवरी एंड सरपास द प्री पेंडेमिक इनकम लेवल, इट इज स्टिल 7% बिलो द प्री पेंडेमिक जीडीपी ट्रेंड। लेकिन आप देखिए, जीडीपी का जो ट्रेंड रहा था कोरोना के पहले, उस टाइम से यदि तुलना करें ना, तो अभी भी हमारी जो जीडीपी की ग्रोथ है ना वो कम ही है। ग्रोथ हैज़ टू बी फ्यूल्ड बाय इंक्रीजिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट, और ये जो ग्रोथ है इसको हमें वृद्धि देखने को क्यों मिल रही है, क्योंकि हमने जो है पब्लिक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करी, सरकार ने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करी है। और इसी समय यदि हम बात करें सेम टाइम में, इन्फ्लेशन स्टिल बियॉन्ड द अपर टॉलरेंस लिमिट
एंड एग्रीगेट फिजिकल डेफिसिट। आप ये समझ लीजिए कि इन्फ्लेशन भी जो है, जो हमारी टॉलरेंस की लिमिट है, उसको पार कर गई है महंगाई। ठीक है, अभी भी जो है जीडीपी का 9 से 10% चल रही है, चाहे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को यदि हम मिला देते हैं। इंश्योरिंग मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी रिक्वायर्स कंटिन्यू फिस्कल कंसोलिडेशन। तो हमें जो है अभी फिस्कल कंसोलिडेशन के ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि आप जो है खर्चा ज़्यादा कर दे रहे हैं, कमाई कम हो रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार से गवर्नमेंट ने फेस किया है, ठीक है, एक्सेलरेटिंग ग्रोथ बाय इंक्रीजिंग पब्लिक इन्वेस्टमेंट व्हाइल कंटेनिंग द फिस्कल डेफिसिट। ठीक है, तो आपने जो है फिस्कल डेफिसिट से बचा है। विथ इंटरेस्ट पेमेंट अकाउंटिंग फॉर 40% ऑफ द नेट रिवेन्यू ऑफ द सेंटर, देयर इज ए हार्डली एनी रूम फॉर कंप्लेंसी। इंटरेस्ट की पेमेंट की बात कर लेना, तो वो हमारा जितना भी रिवेन्यू आ रहा है उसका 40% तो सरकार ब्याज दे दे रही है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं जो चीज़ें हम निर्धारित करी हैं वो चीज़ें हम नहीं कर पा रहे हैं। इंटरेस्ट वाली बात ये है, ये जो फिजिकल डेफिसिट है ना, इसको हम 6.4% रखना चाह रहे हैं जीडीपी का करेंट फिजिकल ईयर में। हैज़ कम अबाउट डिस्पाइट ए शार्प इंक्रीज इन फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी बाय 2,00,000 करोड़ रुपया। आप फूड और फर्टिलाइजर में सब्सिडी दिए हैं 2,00,000 करोड़ रुपया की, इसके बाद भी आपका जो फिजिकल डेफिसिट है ना वो लिमिटेड है 6.4% जीडीपी का, जबकि हायर देन बजटेड बायोएंसी इन नेक्स्ट टैक्स रिवेन्यू ऑलमोस्ट 1.6 करोड़ हैज हेल्प्ड। ए सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ एडजस्टमेंट इज ड्यू टू इंक्रीज इन डिनोमिनेटर। द नॉमिनल वैल्यू ऑफ जीडीपी हैज कंपेयर टू एजम्पशन मेड इन बजट 2022-23। इसके बाद बताया जाता है बजट का एस्टिमेशन, कितना एज्यूम किया जा रहा है नॉमिनल जीडीपी के लिए 2022-23 के लिए, 258,00,000 करोड़। ठीक है, जबकि जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेशन रहा था जीडीपी का, वो रिलीज़ किया गया था कुछ दिन पहले ही, वहाँ पर अंदाज़ा लगाया था हमने 273,00,000 करोड़ रुपया का। अदर शब्दों में यदि हम बात करें, रिवेन्यू डेफिसिट हो रहा है इसके बावजूद, रिवेन्यू डेफिसिट का मतलब क्या होता है, जितना हम खर्चा कर दे रहे हैं ना उसकी तुलना में हमारी जो रिवेन्यू है उससे जो इनकम हो रही है वो हमारी कम हो रही है रिवेन्यू के माध्यम से। रिवेन्यू डेफिसिट इंक्रीजिंग इन एब्सोल्यूट टर्म, एब्सोल्यूट टर्म पे यदि आप देखोगे तो वहाँ हमें रिवेन्यू डेफिसिट देखने को मिल रहा है 9.9 लाख करोड़ इन द बजट एस्टिमेट, 11.1 लाख करोड़ इन द रिवाइज एस्टिमेट। पहले हम 9.9 लाख सोचे थे, लेकिन बाद में ये कितना लाख हो गया, 11.1 लाख करोड़ हो गया एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी। पर जीडीपी के परसेंटेज के हिसाब से यदि हम देखें ना, तो जो हमारा रिवेन्यू डेफिसिट है 3.8% था जीडीपी का, ये कितना हो गया है 4.1% हो गया है इसको जब हम रिवाइज किए हैं। तो अब हम यदि बात करें फिजिकल डेफिसिट के मामले में, ठीक है, तो फिजिकल डेफिसिट की यदि हम बात करें तो फिजिकल डेफिसिट को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। रेवेन्यू डेफिसिट तो हम समझ गए हैं कि रेवेन्यू हमारा कितना आ रहा है, तो ये जो फिजिकल डेफिसिट होता है ये डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल एक्सपेंडिचर, कितना हमें टोटल रेवेन्यू आया और कितना हम टोटल एक्सपेंडिचर खर्च कर दे रहे हैं, उसको हम जो है फिजिकल डेफिसिट बोलते हैं। और यदि हम बात करें रिवेन्यू डेफिसिट की, ठीक है, REVENUE, वहीं रिवेन्यू डेफिसिट को भी हम देख लेते हैं, तो रिवेन्यू डेफिसिट ऑकर्स व्हेन रियलाइज्ड नेट इनकम इज लेस देन प्रोजेक्टेड नेट इनकम। मतलब कि जितना मैंने अनुमान लगाया था कि लगभग मुझे 100 रुपये की कमाई होगी, लेकिन यदि मुझे 80 रुपये की कमाई हो रही है तो मैं उसको रिवेन्यू डेफिसिट कहूँगा। जितना मैं अनुमान लगा रहा हूँ उससे यदि मुझे मेरी कमाई कम हो रही है तो उसको हम जो है रिवेन्यू डेफिसिट बोलते हैं।
तो फिजिकल डेफिसिट कैसा क्या रहा है यहाँ पर बताया जाता है। अब कैसे करके हम जो है बैलेंस बना रहे हैं यहाँ पर देख लीजिए, हमारे सामने चैलेंजेस हैं किसके, हम जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा स्पेंड कर रहे हैं। वाइल कंटिन्यूइंग विथ फिजिकल कंसोलिडेशन इट हैज़ बीन फाइन बैलेंसिंग एक्ट ऑन द पार्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्टर, लेकिन हमको जो है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा कुछ बैलेंस देखने को मिला था। उनका कहना है कि हम जो है कंटिन्यू ग्रेटर एलोकेशन कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग में, इसके अलावा कैपिटल एक्सपेंडिचर में। इसका जो बजटेड है ना वो इंक्रीज हुआ है 2.7% ऑफ GDP से 3.3% ऑफ GDP। पहले GDP का हम 2.5% करते थे, अभी 3.5% हम लगभग खर्चा कर रहे हैं GDP का। यदि हम एब्सोल्यूट टर्म की बात कर लें तो हमने जो है इंक्रीज कर दिए हैं 7.3 लाख करोड़ से 10 लाख करोड़ रुपया, विच इज़ ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 37%। एंड कंसिडरिंग दैट कैपिटल एक्सपेंडिचर हैज़ ए सिग्निफिकेंट क्राउडिंग इन इफेक्ट, इट शुड हेल्प टू इंक्रीज प्राइवेट कैपिटल एक्सपेंडिचर एज वेल। हम खर्चा कर रहे हैं तो प्राइवेट व्यक्ति भी खर्चा करेंगे, प्राइवेट कंपनियां भी खर्चा करेंगी। लास्ट बजट से यदि हम तुलना करें ना तो 25% की वृद्धि देखने को मिली हमको कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट में। कैपिटल एक्सपेंडिचर कहाँ किसको बोलते हैं, जब सरकार ऐसी जगह खर्चा करती है जहाँ से उसकी कमाई होने लगती है तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। और कुछ एक और ऐसा एक्सपेंडिचर भी रहता है जहाँ पर सरकार ने एक बार यदि खर्चा करी तो वो पैसा दोबारा वापस उसका आता नहीं, जैसे कि लोगों को पेंशन देना है, लोगों को सैलरी बांटना है, तो ये सारी चीज़ें करके बहुत सारी स्कीम चलाता है जिसके माध्यम से उसकी कमाई फिर से नहीं हो पाती। पैसा एक बार चला गया तो चला गया, लेकिन यदि वो इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करती है तो सरकार की उससे कमाई होने लगती है, उसे कोई हम जो है कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसके अलावा रिजर्व बैंक ने 1.2 पर पूंजीगत व्यय के गुणक प्रभाव का अनुमान लगाया है और इससे निवेश के जो बिगड़ते माहौल को पुनर्जीवित करने में मदद मिलना चाहिए। बैंकों द्वारा वाणिज्यिक उधार पहले से ही बढ़ा दिया गया है और बढ़ी हुई बैलेंस शीट के साथ पूंजीगत व्यय में वृद्धि से निवेश के माहौल को और पुनर्जीवित करने में मदद मिलने वाली है। इसके अलावा राज्यों को उनके पूंजीगत व्यय को बढ़ाने के लिए ब्याज मुक्त ऋण, ठीक है, ऐसा लोन देना जो कि ऋण लोन ऐसा लोन देना जो जिसमें आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, इंटरेस्ट फ्री लोन, यदि ये कंटिन्यू रहता है तो इससे फ़ायदा किनको होना है, इससे फ़ायदा होना है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है ना कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत बढ़िया तरीके से करने वाले हैं। इसके साथ साथ में बात करी जाती है जो शायद ये जो ग्रोथ है ना 4.5-6% ग्रोथ रेट 2023-24 का जो अनुमान है इकोनॉमिक सर्वे में, विच वाज अदरवाइज कंसिडर्ड टू ऑप्टिमिज्म, बहुत ज़्यादा आशावादी हमको प्रतीत हो रहा है, ठीक है, ये खैर हमको बहुत ज़्यादा आशावादी प्रतीत हो रहा है, लेकिन कुड इंडीड मटेरियलाइज विद द बजटेड इंक्रीज इन इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, लेकिन हो सकता है कि इस प्रकार से हम जो बजट में वृद्धि करे हैं इससे ये जो चीज़ है ना शायद रियल में हो जाए। अब फिर जो फाइनेंस मिनिस्टर है 2020-21 के बजट में उसने क्या कहा था, सी वुड ब्रिंग डाउन द फिजिकल डेफिसिट टू 4.5% बाई 2025-26। हम जो है हमारा जो फिजिकल डेफिसिट हो रहा है ना इसको कम कर देंगे, कितना मिला देंगे GDP का 4.5% ला देंगे 2025-26 के दौरान। इसका मतलब ये हो गया है कि आने वाले जो 3 साल हैं द डेफिसिट विल हैव टू बी रिड्यूस बाई 1.9 परसेंटेज पॉइंट। इसके लिए हमें जो है लगभग 2% की कमी करना पड़ेगा अपना अभी जितना भी चल रहा है हमारा। तो इस सब को यदि हम देख आप ध्यान दे रहे हो तो 2023-24 इस स्लेटेड टू कम डाउन 5.9%। इसके लिए आपको जो है 2023-24 में फिजिकल डेफिसिट को 5.9% करना पड़ेगा। तो और हालांकि ये जो काम है ना उतना ज़्यादा कठिन नहीं है, फिर भी आप ऐसा कर सकते हैं।
ऑलदाउ 9 स्टेट विल हैव इलेक्शन दिस ईयर। अब ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आने वाले जो 9 स्टेट है ना, वहाँ पर इलेक्शन होने वाले हैं। फ्रंट लोडिंग द एडजस्टमेंट वुड हैव ईज द सिचुएशन नेक्स्ट ईयर व्हेन द कंट्री हैज़ नेक्स्ट जनरल इलेक्शन। इसके बाद हम पता है 2024 में जनरल इलेक्शन होने वाले हैं, मतलब प्रधानमंत्री का चुनाव होने वाला है लोकसभा का। परहैप्स द फाइनेंस मिनिस्टर अज्यूम दैट बाय प्रोपेलिंग ग्रोथ दिस ईयर थ्रू हायर कैपिटल एक्सपेंडिचर द फिजिकल एडजस्टमेंट विल बिकम ईजियर इन द नेक्स्ट 2 ईयर। अब सब्सिडी का हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेते हैं। मुख्य रूप से राजस्व व्यय को नियंत्रित करके राजकोषीय समायोजन प्राप्त करने का प्रस्ताव किया गया है। फिजिकल एडजस्टमेंट को प्रपोज किया गया है टू बी अचीव्ड बाय मेनली कंटेनिंग रिवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो आप जो है रिवेन्यू एक्सपेंडिचर को कॉन्टेन करके क्या काम करेंगे, फिजिकल एडजस्टमेंट कर रहे हैं। इसी के चलते चलते इम्प्रूव होगा क्वालिटी ऑफ पब्लिक स्पेंडिंग, यदि ऐसा होता है तो। ये जो बजटेड है, बजट है, इंक्रीज हुआ है इन रिवेन्यू एक्सपेंडिचर में 2023-24 का, वो मात्र 1.2% हायर है यदि हम जो है करेंट ईयर से तुलना कर लें तो। तो देयर इज़ ए सिग्निफिकेंट कंपेरिजन इन सब्सिडीज़। तो यहाँ पर हम जो है सब्सिडीज़ में भी काफ़ी महत्वपूर्ण तुलना कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र सब्सिडी की बात करें तो ये एक्सपेक्टेशन लगाया जा रहा है, वो रिड्यूस किया गया है 90,000 करोड़, 2.87 लाख करोड़ था, उसको हमने घटा करके 1.87 लाख करोड़ कर दिए हैं। तो इस प्रकार की जो पॉलिसी है ना, हमने देखे थे दिसंबर 2022 में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में भी हमें देखने को मिली थी। इस पॉलिसी का जो इफ़ेक्ट है ना, यहाँ पर भी हमको देखने को मिला था, जहाँ पर 5 किलो जो फूड ग्रेन है ना दिया गया था अप्रैल 2020 से, इन एडिशन टू द फूड ग्रेन गिवन अंडर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट हैज़ बीन डिसकंटिन्यूड। लेकिन हम देख रहे हैं कि कभी वो दे रहे हो, कभी आप बंद कर दे रहा हो, फिर से घोषणा कर दिए हैं 1, 2, 3, 4 बार। इस तरह उर्वरक सब्सिडी 50,000 रुपये कम होने की उम्मीद है, क्योंकि मुख्य रूप से उर्वरक की कीमतों में कमी आ गई है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। तो एडिशन की यदि हम बात कर लें, एलोकेशन टू करेंटली स्पॉन्सर्ड स्कीम, करेंटली स्कीम के माध्यम से आप कितना पैसा खर्चा कर रहे हो, इसमें भी जो है हमें कम डाउन देखने को मिल रहा है थोड़ा बहुत, लगभग 20,000 करोड़ रुपये का। और ओवरऑल करेंट ट्रांसफ़र यदि हम देख लें स्टेट गवर्नमेंट को, तो वो रहेगा हमारा कितना, 3.3 से 3.4% ऑफ GDP, इतना पैसा हमको जो है स्टेट गवर्नमेंट को देना है। वहीं कर के मामले में यदि हम देख लें तो शुल्क में कुछ फेरबदल किया गया है और समग्र संरक्षणवादी रुख अपनाया गया है। टैक्स के मामले में क्या किया गया है कि ऑन द टैक्स साइड देयर इज सम टिंकरिंग ऑफ कस्टम ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी के मामले में भी कुछ फेरबदल हुआ है, और ओवरऑल प्रोटेक्शनिस्ट स्टांस हैज कंटिन्यू। ऑन द पर्सनल इनकम टैक्स की बात करें, अटेम्प्ट हैज बीन टू इंसेंटिवाइज टैक्स पेयर टू मूव टू द न्यू टैक्स रिजीम विथ नो कंसेशन एंड लोअर रेट। कहा गया है कि आप जो है नया टैक्स रिजीम अपनाइए जहां पर आपको किसी भी प्रकार का कंसेशन नहीं दिया जाएगा। इसके बाद हम सीधे चलते हैं फॉरेन वाले पेज की तरफ और देख लेते हैं प्रमुख न्यूज़ को। तो पहली जो फॉरेन की खबर है वो हम देखने वाले हैं न्यू स्टार्ट ट्रीटी से संबंधित। ठीक है, अब हाल ही में ये न्यू स्टार्ट ट्रीटी न्यूज़ में रही थी। US ने डिस्ट्रॉय कर दिया है आर्म्स कंट्रोल पैक्ट को, ऐसा रशिया ने उसके ऊपर आरोप लगाया है। तो क्रेमलिन ने एक्यूज्ड किया है वाशिंगटन को ऑन वेडनेसडे ऑफ डिस्ट्रॉइंग वीपन्स कंट्रोल एग्रीमेंट। वीपन्स के कंट्रोल के लिए जो एग्रीमेंट समझौता हुआ था, जिसका नाम है न्यू स्टार्ट ट्रीटी, उसका उल्लंघन किया गया है अमेरिका के द्वारा। After the US said Russia was not complying with their last remaining arms pact, और दूसरी तरफ अमेरिका भी रशिया के ऊपर आरोप लगा रहा है कि लास्ट जो हमने समझौता किया था जिसका नाम है न्यू स्टार्ट ट्रीटी, इसका वो पालन नहीं करना है।
तो जो टेंशंस है ना दोनों कंट्रीज़ के बीच में ऑलरेडी ब्रेकिंग पॉइंट पर पहुंच गई हैं बिफोर रसिया सेंट ट्रूप टू यूक्रेन बट हैव प्लमटेड फर्दर सिंस। लेकिन तब से जो है कंडीशन और भी ख़राब होते जा रही है। स्टेट डिपार्टमेंट फॉल्टेड रसिया फॉर सस्पेंडिंग इंस्पेक्शन एंड कैंसलिंग टास्क बट डिड नॉट एक्यूज मॉस्को ऑफ एक्सपांडिंग न्यूक्लियर वारहेड बियॉन्ड एग्रीड लिमिट। स्टेट डिपार्टमेंट ने रसिया की कुछ गलती निकाली है कि इसने सस्पेंड कर दिया है इंस्पेक्शन को, इसके अलावा कैंसलिंग की जो बातचीत है उसको, लेकिन उन्होंने एक्यूज़ नहीं किया है मॉस्को को कि वो एक्सपांड कर रहा है न्यूक्लियर वारहेड, वो जो एग्रीड लिमिट है उससे ऊपर। तो इसी के बारे में हम देख रहे थे, तो इसको हम समझ लेते हैं कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या है, कब से इसकी शुरुआत हुई थी। न्यू स्टार्ट जिसको स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी कहते हैं, स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, न्यू स्टार्ट स्ट्रेटजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी वाज लास्ट रिमेनिंग आर्म्स रिडक्शन पैक्ट। ठीक है, एकदम सबसे लास्ट वाली जो है आर्म्स रिडक्शन पैक्ट समझौता माना जाता है बिटवीन फॉर्मर कोल्ड वार राइवल्स, कोल्ड वार के जो प्रतिद्वंद्वी थे दोनों के बीच में। इसके साथ साथ में कैप्स लगाने की बात करी जा रही है 1550 न्यूक्लियर वारहेड्स के ऊपर दैट कैन बी डिप्लॉयड बाय रसिया एंड अमेरिका। तो रसिया जो है 1550 न्यूक्लियर वारहेड यूज़ कर सकता है, अमेरिका 1550 वारहेड न्यूक्लियर वारहेड को डिप्लॉय कर सकता है। ये 5 फरवरी 2011 से लागू है। ठीक है, तो ये कंटिन्यू करती है बाय पार्टीजन प्रोसेस को ऑफ वेरीफाइबल रिड्यूसिंग यूएस एंड रशियन स्ट्रेटजिक न्यूक्लियर आर्सेनाल। तो दोनों के पास में जो न्यूक्लियर आर्सेनाल है, हथियार हैं, इनको रिड्यूस करने की बात करी जाती है दोनों की तरफ से 700 स्ट्रेटजिक लॉन्चर एंड 1550 ऑपरेशनल वारहेड। इट्स ड्यूरेशन वाज फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, इसका जो ड्यूरेशन था वो 10 साल का था, जो कि रहेगा 2021 तक रहा, लेकिन इसको बाद में फिर एक्सटेंड कर दिया गया था आने वाले 2026 तक। इसके अलावा भी जो है कई सारी ट्रीटीज़ हैं अमेरिका और रसिया के बीच में, जैसे कि स्ट्रेटजिक आर्म्स लिमिटेशन टास्क जिसको साल्ट बोलते हैं, फिर है स्टार्ट स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी फर्स्ट, फिर स्ट्रेटजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी सेकेंड आई, स्ट्रेटजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी आई SORT 2004 में, फिर आई स्टार्ट कब 2010 में इसको साइन किया गया था और इसी के ऊपर ये बातचीत चल रही है। इसका इसके ऊपर सिग्नेचर हुआ था 2010 में और ये लीगली कानूनी तौर पर बाइंडिंग करती है, वेरीफाइएबल एग्रीमेंट किए गए हैं दोनों की तरफ से जो है 1550 स्ट्रेटजिक न्यूक्लियर वारहेड डिप्लॉय किए जाएंगे, डिप्लॉयड ऑन 700 स्ट्रेटजिक डिलीवरी सिस्टम जिसमें ICBMs, SLBMs एंड हैवी बॉम्बर शामिल हैं, और नॉन डिप्लॉयड लॉन्चर की संख्या जो है 800 तक सीमित कर दी गई है। इसके बाद की जो न्यूज़ है फॉरेन वाले पेज में, वो हम पाकिस्तान में जो महंगाई की दर है पिछले 48 सालों में सबसे ज़्यादा हाई रही है, ऐसा डेटा अभी यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड शायद इसकी मदद कर सकता है, और इसीलिए ही जो है पाकिस्तान की IMF की तरफ से जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उन्होंने विजिट किया है। इन्फ्लेशन जो है पिछले 48 सालों में सबसे ज़्यादा हाई रही है, क्राइसिस हिट पाकिस्तान में, जहाँ पर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है विजिट कर रहा है अर्जेंट बातचीत के लिए, अकॉर्डिंग टू डाटा रिलीज ऑन वेडनेसडे बाई कंट्रीज स्टेटिक्स ब्यूरो। ईयर ऑन ईयर साल दर साल इन्फ्लेशन की यदि हम बात करें, जनवरी 2023 में रिकॉर्ड किया गया है 27.27%। 1975 से अभी तक का डाटा आप उठा करके देखोगे तो ये सबसे हाईएस्ट रहा है। पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है वो बहुत ही ज़्यादा खराब कंडीशन से गुजर रही है और यहाँ पर क्राइसिस देखने को मिला है बैलेंस ऑफ पेमेंट का। ठीक है, तो बैलेंस ऑफ
पेमेंट का मतलब ये होता है कि आप बाहर से कोई चीज़ मंगवाएंगे तो उसके लिए आपके पास कितना बैलेंस बचा हुआ। जैसे कि पाकिस्तान बाहर से पेट्रोल मंगाता है, उसके यहाँ पर सूखा पड़ गया है तो हो सकता है कि वो अनाज भी बाहर से खरीदता होगा। सारी की सारी चीज़ें यदि हमको खरीदना है ना, तो उसके लिए आपको जो आपके पास डॉलर होना चाहिए, और उसके पास डॉलर अभी बचा नहीं है। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट यदि हम बात कर लें, तो आगे बताया जा रहा है विश्व की जो फिफ 5वें नंबर की सबसे बड़ी पॉपुलेशन वाला जो देश है, इसके पास में मात्र 3.7 बिलियन डॉलर बचा है, ठीक है, स्टेट बैंक में, इनफ टू कवर जस्ट 3 वीक ऑफ इम्पोर्ट। मात्र 3 हफ्ते ही जो है इम्पोर्ट कर सकता है, इससे आगे वो कुछ नहीं कर सकता है। तो ये तो थी खबर हमारी पाकिस्तान से। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण जो खबरें हैं उनको हम देखेंगे, जो कि ज़्यादातर जो चीज़ें हैं आज के न्यूज़पेपर में वो बजट से ही रिलेटेड दिखाई गई। तो यहाँ से बजट जो है हमारा कवर हो जाएगा, मतलब यहाँ से हम जो है बजट की समरी देखने वाले हैं। तो जैसे कि हम यदि फ्रंट पेज पर ही चलें, तो फ्रंट पेज को देख लेते हैं, बजट के बारे में कौन कौन सी किस्म की बातें बताई गई हैं। तो टैक्स का जो स्लैब है उसमें भी कुछ चेंजेस देखने को मिला है। इसके अलावा शेयर ड्रॉप्स फ्रॉम 2.14 इन फाइनेंशियल ईयर 2023। मनरेगा का जो शेयर है फाइनेंशियल ईयर 2024 में वो रहेगा 1.33%। मतलब फाइनेंशियल ईयर 2023 में 2.14 है, और फाइनेंशियल ईयर 2024 की यदि हम बात करें तो 1.33% रहेगा। और वहीं रेलवे का जो शेयर है फाइनेंशियल ईयर 2024 के बजट के लिए वो है 5.36%, और फाइनेंशियल ईयर 2023 का 3.8% था, तो इसको बढ़ा करके 5.36% किया गया है। हेल्थ का शेयर की यदि हम बात करें तो वो किया गया 1.98%। शेयर रिमेंस बिलो 2% इन फाइनेंशियल ईयर 2024 एंड फाइनेंशियल ईयर 2023। इसके अलावा बहुत सारी बातें हैं, जैसे कि टैक्सेस की बात करें, मोबाइल फ़ोन में, टीवी में, टू गेट चीपर, ठीक है, मोबाइल फ़ोन टीवी ये कैसे हो सकते हैं सस्ते हो सकते हैं। वहीं टॉय, बाइसाइकिल, ऑटोमोबाइल टू गेट डियरर, मतलब ये सारी जो चीज़ें हैं वो महंगी वाली, खिलौने, बाइसाइकिल और ऑटोमोबाइल सेक्टर। इकोनॉमी की यदि हम बात करें, ग्रीन एनर्जी गेट्स बिग पुश विद 35,000 करोड़ बींग ईयरमार्क फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ग्रीन एनर्जी की तरफ में जो है 35,000 करोड़ रुपया का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ पर जो है 50 और भी ज़्यादा एयरपोर्ट खड़े किए जाएंगे, हेलीपोर्ट बनाए जाएंगे, और वाटर ड्रोम्स का प्रपोजल यहाँ पर किया गया है। सोशल सेक्टर की बात करें, समाज के लिए क्या क्या किया जा रहा है, तो जल जीवन जो मिशन है 27% इसको ज़्यादा रुपये दिया जाएगा, विद एन आई ऑन जनरल इलेक्शन। वहीं यदि हम बात कर लें, ग्रोथ डिक्लेरेशन प्रॉब्लम कैन नॉट बी ओवरलुक्ड एमिट, ये तो एडिटोरियल वाली बात है, एडिटोरियल हम इसको देख चुके हैं। इसके साथ साथ में बात यदि हम करें, ऐसे लोग जो कि सैलरीड पर्सन हैं और इनकम टैक्स देते हैं, तो 7 लाख रुपया तक जो है आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। लेकिन यहाँ पर दिक्कत वाली ये बात हो गई है कि यहाँ पर आप किसी प्रकार की बचत नहीं कर पाएंगे, यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। इसको हम थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं। 0 टैक्स रखा गया है एनुअल इनकम अप टू 7 लाख अंडर न्यू स्कीम, नई स्कीम के अंतर्गत। पुरानी स्कीम में ऐसा बताया जाता है कि आप दुनिया भर की सेविंग दिखा करके आप टैक्स बचा सकते हैं, लेकिन नई स्कीम के अंतर्गत आप किसी भी प्रकार की सेविंग नहीं कर पाएंगे। 7 लाख यदि हो गई आपकी इनकम तो आपका टैक्स कट नहीं है। तो ये जो न्यू रिजीम है ना, वुड बिकम द डिफॉल्ट, द मिनिस्टर सेड टैक्स पेयर कुड हावेवर स्टिल ऑप्ट टू फाइल अंडर द ओल्ड रिजीम विच अलाउ फॉर टैक्स एग्जम्पशन एंड डिडक्शन ऑन इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपेंस सच एज HRA। जैसे कि जो पुरानी स्कीम थी टैक्स की, उसके अंतर्गत HRA हाउस रेंट अलाउंस के अंतर्गत सरकार टैक्स में छूट देती थी, तो वो छूट इसमें आपको नहीं देगी। कुछ इन्वेस्टमेंट में भी कुछ डिडक्शन आपको मिल जाता था कहीं पर यदि आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो।
बजट ने ऑफर किया है कि हम जो है पुराना टैक्स रिजीम यदि चल रहा है उसको कोई अपनाता है तो उसके लिए हमने जो है किसी प्रकार का चेंजेस नहीं किया है। जो लोग न्यू टैक्स रिजीम में आ रहे हैं कैन आल्सो हियर आफ्टर अवेल देम सेल्विस ऑफ द 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन। जो अर्न कर रहे हैं 7 लाख से ऊपर सालाना, ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम कुड सेव 33,800 रुपये। जिनकी इनकम है 10 लाख रुपये तक, वो सेव करते हैं कर सकते हैं 23,400 रुपये, एंड 49,400 सेविंग वुड बी एकर टू दोस अर्निंग अप टू 15 लाख। तो कितने सेविंग आप कर सकते हैं, जैसे कि 33,000 तक आप बचा सकते हैं इधर उधर से, जैसे कि आप LIC दिखा दिए, कुछ दिखा दिए, HRA दिखा दिए, उन सब से आप 33,000 रुपया बचा सकते हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना। इसमें शेयर में वृद्धि देखने को मिली है 66% की, विथ मोर फोकस ऑन Tier 2 एंड Tier 3 सिटी। लेकिन इसमें सरकार Tier 2 और Tier 3 सिटीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस कर रही है। सरकार चाहती है कि सबको जो है अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोवाइड करी जाए। यूनियन बजट प्रेजेंट किया गया था वेडनेसडे के दिन, जहां पर इंक्रीज देखने को मिली है इसके अलोकन के ऊपर, एलोकेशन मतलब 66%। पहले 100 रुपये दे रहे थे तो अब 66 रुपये और मिलेगा। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने अनाउंसमेंट किया है एक अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड का, एक फंड का निर्माण किया जाएगा, ठीक, जिसका यूज़ किया जाएगा अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए। इसी फंड से जो है Tier 2 और Tier 3 की सिटी डेवलप करी जाएंगी। PMAY का जो इसको एलोकेट किया गया है कितना 79,000 करोड़ रुपया इस फिजिकल के,